पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के चौड़ा बाजार यूनिट के प्रधान राजीव अरोड़ा, दिलीप ग्रोवर, इंद्रजीत सचदेवा की ओर से पंजाब सरकार की नीतियों के विरोध में काली चरण चौड़ा बाजार में रोष प्रदर्शन किया गया। इस रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला राज्य महासचिव सुनील मेहरा ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अपनी सरकार की तरफ से 85% वादे पूरे करने का दावा किया था, परंतु उनका ये दावा खोखला साबित हुआ है। आज पंजाब में कोरोना काल के दौरान व्यापारी बहुत दुखी है। सरकार की ओर से व्यापारियों को राहत देने की बजाय उन पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। प्रोफेशनल टैक्स जो कि पंजाब सरकार ने शहरी व्यापारियों पर लगाया है, वह व्यापारियों को मौत के मुंह में ढकेलने का एक फरमान है। वही पंजाब सरकार द्वारा वन टाइम पॉलिसी जो लागू की गई है, उसका लाभ भी व्यापारियों को पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक साल की पॉलिसी है, जबकि 2012 से 2017 तक के वैट नोटिसों पर ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। वही पंजाब सरकार ने व्यापारियों से वादा किया था कि 5 रुपए यूनिट बिजली दी जाएगी, परंतु पंजाब सरकार आज 11 रुपए यूनिट बिजली व्यापारियों को दे रही है। ये कैसे दावे हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह व्यापारियों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेल टैक्स विभाग में जीएसटी का फर्जीवाड़ा प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, जिसमें विभाग के कई अफसर शामिल है, परंतु पंजाब सरकार द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कोरोना काल के दौरान पंजाब का 1.5 लाख करोड़ के लगभग नुकसान हुआ है। वही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी के सरलीकरण की मांग करते हुए कहा कि जीएसटी में भी काफी त्रुटियां हैं, जिसके कारण व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह मक्कड़ व राज्य सचिव महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सेल टैक्स विभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर नाकी लगाकर व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने विभाग को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर विभाग ने व्यापारियों को तंग करना बंद नहीं किया तो व्यापारी सड़कों पर उतर कर रोष प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं 10 दिन बाद पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की एक मीटिंग लुधियाना में आयोजित होगी, जिसमें पंजाब सरकार की व्यापार विरोधी के विरुद्ध, जीएसटी के विरुद्ध आदि विषयों पर विचार चर्चा किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, जनहितेश न्यूज़।